हेलो डी पी आर एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप एक्सक्लूसिवली गूगल क्लासरूम में पहली बार देख रहे हैं। आरबीआई एग्ज़ाम के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ यू है, यहाँ एक्स और वाई है। यू मतलब यूटिलिटी, एक्स मतलब कोई कमोडिटी है, वाई भी कोई कमोडिटी है। तो जनरली जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हमेशा आपको टू गुड्स केस पढ़, जब कंज्यूमर थ्योरी पढ़ेंगे तो टू गुड्स केस होगा, और जब प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ेंगे आप तो आपको टू इनपुट केस मिलेगा, कैपिटल और लेबर। उसी तरह कमोडिटी में कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, जैसे इंडिफरेंस कर में दो कमोडिटी के बीच हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, कम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए दो कमोडिटी केस ही होता है। एक कमोडिटी से आप सब्स्टिट्यूशन और कम्प्लीमेंट नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह केस होता है प्रोड्यूसर में भी कि कैपिटल और लेबर दो इनपुट होता है, तभी आप सब्स्टिट्यूशन और कम्प्लीमेंट को पढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दो कमोडिटी केस ही, टू और टू इनपुट केस ही इकोनॉमिक्स में बार बार आता है। तो उसको, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पार्शियल डेरिवेटिव की। सिंपल डेरिवेटिव से नहीं होता है। तो जब ज़्यादातर जब टू कमोडिटी केस ही होता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव से ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिंपल डेरिवेटिव से बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स में। तो चलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं। और सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और इसको थोड़ा अलग से बनाया है मैंने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत अप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक्स में। इसलिए मैंने इसको ऑप्टिमाइजेशन के साथ नहीं मिलाया, वरना ये लेंदी हो जाता और मेन जो बेसिक कंसेप्ट मुझे समझाना है वो आपको नहीं समझ में आता। तो पहले सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को हम समझते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो इसमें देखिए, ये है यूटिलिटी और ये है टू कमोडिटीज, यानी एक एक्स है और एक वाई है। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को हम कहेंगे मार्जिनल। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम कहेंगे लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे इसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि ये टोटल यूटिलिटी है। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो एक्स को हम कैसे लिखेंगे, हम एक्स को लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में इस तरह। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होगा। और जो वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कहलाएगा। उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, उसे भी हम इसी तरह एम यू लिख के फिर यहाँ पर एक्स के जगह पे वाई लिख देंगे। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, जनरल जो सिंबल होता है वो यही होता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि इस सिंबल का यूज करते हैं हम लोग डेरिवेटिव के लिए। तो ये यू हुआ, और फिर यहाँ सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम इसे कैसे करेंगे, यही बस सेम होगा, यहाँ एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको क्या कहेंगे, हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, और इसे कहेंगे मार्जिनल इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और इसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो कैसे करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो बाकी वेरिएबल होंगे, जैसे वाई है उसे हम एक कांस्टेंट की तरह मानेंगे, जैसे 3 एक कांस्टेंट है, तो उसी तरह ये भी वाई कोई नंबर है, कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x का तो डेरिवेटिव सिंपल है कि 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा, और y क्या है, y एक कांस्टेंट की तरह यहाँ है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर आप जब यहाँ देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू y जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3x में y यहाँ कोई y नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह माना जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जिसको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और जब यहाँ y लीजिएगा तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव सिंपली होगा
वन, यानी इस इक्वेशन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, थ्री है, और इस इक्वेशन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स थ्री है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई वन है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी को कहाँ यूज होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और भी कंसेप्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका यूज होगा, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी हमें क्या लेना है, वही करना है। इसमें वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया था। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब हुआ फर्स्ट डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का मतलब हुआ फर्स्ट डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप फर्स्ट डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं वाई जो होगा वो एक कॉन्स्टेंट की तरह होगा, जैसे वन टू थ्री होता है। तो वन टू थ्री होता है तो सिंपली वाई को हम एक्स के जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो वाई होगा एक्स पे पावर वन है, तो एक्स तो खत्म हो जाएगा। और फिर आप यहाँ देखिए इसमें भी वही होगा, जब y के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे तो x कोई कांस्टेंट की तरह हो जाएगा और y में पावर 1 है तो y तो समाप्त हो जाएगा, बचेगा x। तो यहाँ ध्यान दीजिए x यहाँ कांस्टेंट है तो 0 नहीं हुआ। 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है इसमें x भी है y भी है, तो 0 नहीं हुआ। जैसे अलग से रहता तब वो 0 हो जाता, जैसे अलग से अगर y रहता तो जब हम x का डेरिवेटिव निकालते तो वो 0 हो जाता। इस तरह अलग से अगर x रहता तो जब हम y का डेरिवेटिव निकालते तो वो 0 हो जाता, लेकिन ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड है तो आप 0 नहीं कर सकते। एक को 0 कीजिएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये केस होता है यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपल था, हमने बहुत आसानी से निकाल लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक, तो चलिए अब अगले एग्जांपल में देखते हैं कि वो कैसे होगा। ये हमारा तीसरा एग्जांपल है, तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकालेंगे और फिर उसके बाद हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। यहाँ y हो जाएगा जिसको हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और इसको कहेंगे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या केस है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ है रूट, और किसी भी चीज पे रूट होने का मतलब है उस पे एक्सपोनेंट 1/2 है, यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ x होगा फिर x टू द पावर, यानी कि रूट x को आप x टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और उसके बाद यहाँ प्लस y हो जाएगा, यानी कि अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 इधर चले जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/2, और फिर यहाँ बचेगा x, और x के पावर में क्या होगा, डेरिवेटिव के रूल के अनुसार इसमें 1 माइनस होगा। तो 1/2 में जब 1 माइनस होगा, यानी कि अगर हम, मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, जैसे इसे ले लीजिए कि ये 1/2 दिया हुआ है, 1/2 में 1 माइनस हो जाएगा, ये डेरिवेटिव का रूल है, ये उसके पावर में 1 माइनस हो जाता है। तो क्या होगा, ये माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 1/2, जब आधे में आप एक घटाइएगा तो आधा खर्च हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये माइनस 1/2 हो गया। और अब माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता होगा तो आप माइनस 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पर x टू द पावर 1/2, तो उस केस में ये माइनस हट जाएगा। ध्यान रहे ये 1/2 सिर्फ x पे है, 2 पर नहीं है। ठीक, तो ये देखिए कि ये जब आप माइनस हटाते हैं, जब पावर में से आप माइनस हटाते हैं तो वो चीज़ क्या चली जाती है, वो नीचे चली जाती है, यानी डिवीजन में हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और एक चीज़ इसको और थोड़ा आप अच्छे से लिखें, तो जब एक 1/2 किसी पे पावर होगा तो उसको रूट कहेंगे, क्योंकि रूट को जब आप 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। यानी कि इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा
ये वाला, क्योंकि 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं। तो ये एक आपका प्रॉपर आंसर हुआ। ऑप्शन में अगर दिया होगा तो यही वाला हो सकता है, ये वाला दिया हो सकता है ये वाला दिया हो, ठीक, और हो सकता है ये वाला भी दिया हो। तो आपको ध्यान रखना कि ये तीनों चीज़ें सेम है। और यहाँ जहाँ तक फिर अब y की डेरिवेटिव निकालने की बात है, तो इधर हमने y नहीं निकला क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू y में जब हम आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसे हम एक कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक, क्योंकि इसके साथ y नहीं है तो ये एक कॉन्स्टेंट की ही माना जाएगा जिसका डेरिवेटिव होगा जीरो, तो ये छूट जाएगा और बाकी बचा वाई। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वन ही होगा। तो इस तरह से इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 1/2 रूट एक्स, और इसका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 1 हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा अगला एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रूट आ गया है, ठीक। अब यहाँ रूट आ गया है तो रूट का मैंने आपको क्या बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई है, एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जो 1/2 पावर होगा ये दोनों पर होगा। यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं y टू द पावर 1/2। ऐसे ऐसे हम बस पेस्ट कर देते हैं और बस यहाँ x की जगह पे y हो जाएगा। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दे सकते हैं, या फिर आप पॉइंट भी देते तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, वही डेरिवेटिव निकालेंगे जो हम पहले निकालते थे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इस तरह से हम इन सिंपल से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को डिनोट करते हैं। तो हमें अब इसे कैलकुलेट करना है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 का हम डेरिवेटिव करेंगे और ये जो है कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, यानी कि ये जस का तस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 जब इधर आएगा तो हम इसे ऐसे 1/2 लिख देंगे। अब देखिए ये डेरिवेटिव का सब्जेक्ट है, इसे अगर आप डेरिवेटिव आपने नहीं सीखी है तो आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें डेरिवेटिव को डिटेल से बताने नहीं जा रहा हूँ। तो एक्स 1/2 का पावर डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2, यानी कि इसी को आप ले लें और यहाँ पे हम रख देते हैं इसको, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इस जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, और बाकी ये वाई इसी तरह रह जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट की तरह है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। तो ये हो गया आपका। अब इसे देखिए, ये एक्स 2 जो है, ये एक्स 1/2 नीचे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है। तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपने पहले लिखा 1/2, अब यहाँ ये वाई जो है ऊपर है तो इसे आप 1 की जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो लिखना ज़रूरी नहीं है, ऊपर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है अगर और कुछ हो तो। तो वाई 2 लिख दिया और एक्स 1/2 क्या हो गया, ये चला गया नीचे 2 के साथ। ये बस क्या होगा, यही अंतर होगा कि इसमें माइनस था और यहाँ जब हम इसे लिखेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक, इसमें माइनस नहीं रह जाएगा, जब हम एक्स माइनस 1/2 को नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस नहीं रह जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, आपको पता होना चाहिए। और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तो ये 1/2 रहेगा ही, 1/2 रहेगा ही, और बाकी यहाँ पर दोनों पे पावर 1/2 है, इस पे भी पावर 1/2 है, यानी कि दोनों रूट में है। तो इसे आप सिंपल इस तरह से रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये रूट ले लिया, ये रूट वाई बाय रूट एक्स, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जब कोई ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में हो सकता है ये आंसर दिया हो चुनने के लिए, तो आप इन सब में कन्फ्यूज ना हो। ये सब तीनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं सेम ही है, ये सेम चीज़ें हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप पहले चैप्टर्स जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सजेस्ट किया हुआ, उसे आप अच्छे से पढ़ ले तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा इससे। अगर नहीं भी लगे तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ इससे अलग से।
अब इसे अब हमें वाई में यही चीज करना है, तो वाई में क्या होगा, ये कुछ खास अंतर नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये -2 का पावर जो है ये वाई में चला जाएगा, यानी कि ये सेम चीज निकलेगी, ये सेम चीज निकलेगा कैलकुलेट करके, बस ये माइनस जो आप देख रहे हैं ये इसमें ना रह के वाई में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ चीज़ों को करेंगे, यहाँ सेम चीज़ है आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो एक्स का पावर 1/2 इधर आ गया, यहाँ वाई का 1/2 पावर इधर आ गया और 1/2 में -1 घट गया, तो ये इस तरह हो गया। फिर ये आगे का भी किस्सा इसी तरह होगा, यानी कि ये वाला भी इसी तरह होगा, लेकिन इसमें भी अंतर होगा। अंतर ये होगा कि यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा और यहाँ वाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई नीचे जाएगा, क्योंकि वाई में पावर -1/2 है, तो वाई अपने 1/2 को लेकर नीचे जाएगा। ठीक, अब इसे जब आप फर्दर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ सेम सिचुएशन होगा, यही वाला होगा। अंतर क्या होगा कि वाई नीचे था एक्स नहीं, तो एक्स ऊपर रहेगा और वाई नीचे रहेगा, तो यही बस देखिए कोई अंतर नहीं है, बस यही थोड़ा सा अंतर हुआ है। ठीक, तो ये इस तरह से हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकाल लिया, जिसको हम फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी वाई निकाल लिया, जिसको फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कहते हैं। तो ये भी हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए कुछ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होना चाहिए, इसमें भी हम वही चीजें करने वाले हैं जो पीछे कर रहे थे। यहाँ भी हम मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, जब आप इसका डिराइवेटिव निकालेंगे तो ये कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, और ये जस का तस उसी तरह रह जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसका एक पावर कम हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x, और ये सेम इसी तरह हुबहू होगा। ठीक, ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सिमिलरली हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो y का एक पावर कम हो जाएगा और 2 इसका शुरू में चल जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे 2, और फिर ये कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, और ये सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ बचेगा वाई। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो गया, और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये बहुत सिंपल था। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में लॉग आ गया है, तो आप लॉग देखकर घबराइए नहीं कि लॉग क्या होगा, आपको सिंपल याद रखना है कि लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जैसे लोग एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 1/x, और लोग वाई का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 1/y, यानी किसी चीज़ का आप लोग लगाकर अगर डेरिवेटिव लगाइएगा तो वो नीचे चला जाएगा, बस यही होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस वही चीज़ें हैं, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पिछली में की। यहाँ भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना है, सिंपली अब ये तो वाई वाला है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसमें सटा नहीं है, ये प्लस में है, ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचेगा सिर्फ ये, और इसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसे आप सिंपल याद रखना है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब इसी तरह जब आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट की तरह हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, यानी कि यही कहानी रहेगी, बस यही एक्स के जगह पे हो जाएगा वाई, बस हमने एक्स की जगह पर वाई कर देना है, बस हो गया हमारा, ये निकल गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हम कोब डगलास यूटिलिटी फंक्शन को ले ले रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोब डगलास यूटिलिटी फंक्शन है, कोब डगलास का जनरल फॉर्म है ये, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालिएगा फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इसका आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालिए और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालिए। तो यहाँ भी हम वही वही चीज करेंगे,
यहाँ भी हम फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, आप देखिए कि यहाँ प्लस नहीं है, तो यहाँ आप जीरो नहीं कर सकते हैं वाई को, ये वाई जस्ट का कॉन्स्टेंट की तरह यहीं रह जाएगा, और ये एक्स का जो है इसमें थोड़ा अंतर होगा, इसका ये अल्फा जो है यहाँ चला जाएगा और उसमें वन माइनस हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ें बस ऐसे ही रहेंगी। इसमें डिराइवेटिव करने के बाद इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा कि अल्फा माइनस वन हो जाएगा और यहाँ जो है अल्फा आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा कि यही होगा, बस बीटा माइनस वन हो जाएगा फर्स्ट डिराइवेटिव में, और ये बीटा का जो बी है ये बीटा जो है ये शुरू में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये भी बहुत सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसे आप और अगर फर्दर लिखे, जैसे कि इसे आप और आगे लिखना चाहते हैं, तो ये माइनस में है तो इसे आप नीचे भी ले जाकर लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस में तो नहीं है, लेकिन अगर इसे आप माइनस में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में हम यूटिलिटी से हटकर हम प्रोडक्शन पे आ गए हैं, यानी कि यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ है कैपिटल और लेबर इनपुट है। तो यहाँ हम मार्जिनल यूटिलिटी नहीं निकालेंगे, हम यहाँ निकालेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ के और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एल, यानी कैपिटल और लेबर। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ के को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस तरह से, जैसे ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे के, और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में हम सब स्क्रिप्ट लगाएंगे एल, ठीक। यहाँ पे मैं कैपिटल के दे देता हूँ, ये हो गया। तो ये कहलाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये कहलाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ भी फर्स्ट डिराइवेटिव करना पड़ता है। तो वही मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ फर्स्ट डिराइवेटिव का सिंबल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे ही देना चाहिए, लेकिन आगे जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो ये सब सिंबल मैं यूज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहीं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ पी लिखूँगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लिखूँगा। तो उससे आपको समझ जाना है, मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपको यहाँ से याद रख लेना है, बस यही चीज़ रहेंगी, यहाँ पे हल हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, और ये हो गया फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल। तो हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रखें इसी को फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ के, और यहीं फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल को कहेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ले, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये ए कोई कॉन्स्टेंट है, ये ए इसी तरह रह जाएगा, हम विद रिस्पेक्ट टू के कर रहे हैं तो के में अल्टरेशन होगा, यानी के का ये जो अल्फा है ये शुरू में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, और ये जो के का अल्फा है बाकी तो चीज़ें इसी तरह रहेंगी, बस यही अल्फा में वन माइनस हो जाएगा, जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं वन माइनस करते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब सिमिलरली जब आप विथ रिस्पेक्ट टू लेबर निकालिएगा तो यही केस होगा कि लेबर का जो ये बी है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बीटा यहाँ पर आ जाएगा, बी नहीं बीटा है ये, और ये बीटा में वन माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एल, यानी इसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ के कहेंगे इसे, और इसे के मतलब कैपिटल, और इसे कहेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये भी हमने निकाल लिया। इन सब चीज़ों का बहुत जरूरत पड़ेगा आगे जाकर, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से अभी बता रहा हूँ ताकि आगे आपको इसे अलग सिखाना नहीं पड़े, ये आपके दिमाग में रहे, तो इसे आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब चलिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर। तो ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसे आप अच्छे से समझ ले, क्योंकि ऐसे ही इक्वेशन जनरली आपके बनते हैं इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं है कि ऊपर जो मैंने बताया वो नहीं बनते हैं,
लेकिन जनरली जो इक्वेशन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो आप ध्यान रखें, ऊपर भी इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे में कोई नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सब देखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो इसमें अब क्या करना है, आपको निकालना है वही मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो सिंपलिटली हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, एमपीके लिखेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को, और एमपीएल लिखेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को। और ये फर्स्ट डिराइवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू के, और ये होगा फर्स्ट डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू के यानी कैपिटल, तो यहाँ देखिए यहाँ के है यानी इसका डिराइवेटिव हो सकता है, तो यहाँ एल क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, और के का डिराइवेटिव हो जाएगा वन, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एल। और यहाँ पर देखिए के स्क्वायर का डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो पहले से है ही 0.8 मल्टीप्लाइड बाय टू, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय टू और के, तो इस तरह से हो जाएगा ठीक। और आगे इसे, ये इसमें के नहीं है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू के में ये 0 हो जाएगा, इसमें के है ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट की तरह मानी जाएंगी, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसे आप थोड़ा फर्दर सोल्व करें तो यहाँ एक्स होगा फिर -8 to 16 यानी 1.6 के हो जाएगा ठीक। तो ये हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सिमिलरली जब यहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालेंगे, तो यहाँ के कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा और एल का हम डिराइवेटिव करेंगे वो वन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ के। और जब यहाँ पे आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एल नहीं है, और जब एल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और क्योंकि ये के तो कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा विथ रिस्पेक्ट टू के एल में, तो यहाँ पे एल है, तो इसे हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है 0.2, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2L से, क्योंकि एल का एक पावर कम हो जाएगा, तो इस तरह से हो गया। अब इसको फर्दर जब आप सोल्व करेंगे तो के माइनस 0.4L हो जाएगा, ये हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये भी हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। तो ये लेक्चर खत्म होता है। ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताया क्योंकि आगे जब आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे या फिर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उन सब में ये पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत यूज आएगा। तो अब वहाँ अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ठीक। तो आप यहीं से कंठस्थ कर ले कि हाँ ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है। और कुछ एग्जाम्पल आप बुक्स में से भी देख लें प्रैक्टिस के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट। धन्यवाद।